इन्होंने 370 तोड़ी ड्यूटी बनाया गया, तो सभी जो हिंदुस्तान के जो कानून है, जो रूल लॉ वगैरह है, जो जम्मू कश्मीर के लोगों को वो मिलेंगे, वो बेनिफिट मिलेंगे, लेकिन हमारे मुलाजिमों को अभी तक इसका कोई लाभ नहीं दिया। इसके साथ ही हमारी जो तीसरी डिमांड है, वो हमारी डिमांड ये है कि जो 12 बोचर का सरकार ने फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक राइडर लगाया है, जो बेमतलब का एक राइडर है, आता है कि ऐसे लोगों को लाया कहां से जाता है, इतने समझदार इतने पढ़े लिखे लोगों को कहां से लाकर फाइनेंस में बिठाया गया है, जो तो एक तो उनको पता है कि उन्होंने फाइनेंस ने पीएचई के मुलाजिमों को कंटिन्यू सैलरी दी ही नहीं है। जम्मू कश्मीर के जेल मैनेजर के साथ इंसाफ करो, जम्मू कश्मीर लागू करो। हम एलजी साहब तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी जो पेंडिंग डिमांड्स है, एक तो रेगुलराइजेशन पॉलिसी की है, और दूसरी जो डिमांड है कि जो 2.5 साल हो गया है जम्मू कश्मीर को ड्यूटी बने हुए, तो जब बाकी अगर जम्मू कश्मीर में इन्होंने 370 तोड़ी ड्यूटी बनाया गया, तो सभी जो हिंदुस्तान के जो कानून है, जो रूल लॉ वगैरह है, जो जम्मू कश्मीर के लोगों को वो मिलेंगे, वो बेनिफिट मिलेंगे, लेकिन हमारे मुलाजिमों को अभी तक इसका कोई लाभ नहीं दिया गया है। इसके साथ ही हमारी जो तीसरी डिमांड है, वो हमारी डिमांड ये है कि जो 12 बोचर का सरकार ने फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक राइडर लगाया है, जो बेमतलब का एक राइडर है, हमें समझ नहीं आता है कि ऐसे लोगों को लाया कहां से जाता है, इतने समझदार इतने पढ़े लिखे लोगों को कहां से लाकर फाइनेंस में बिठाया गया है, जो तो एक तो उनको पता है कि उन्होंने फाइनेंस ने पीएचई के मुलाजिमों को कंटिन्यू सैलरी दी ही नहीं है। महिसाल में एक या दो सैलरी दी जाती थी, और 2016 में एक ऑर्डर निकालते हैं जिसके 12 बोचर हैं उसी को बेची दी जाएगी। जब इन्होंने सैलरी ही मुलाजिमों को नहीं दी है, तो जो मुलाजिम 2010 का लगा है, 11 का लगा है या 12 का लगा है, उसके 2016 तक तो 12 बोचर हो ही नहीं रहे हैं, वो इलीगल कैसे हो गया? सैलरी आपने दी, और हमारे चीफ साहब ने भी उन लोगों की लाइबिलिटी बनाकर फाइनेंस डिपार्टमेंट में जमा करवाई हुई है कि इनकी इतनी पेंडिंग सैलरी है, दी इनको दी जाए, और वो अगर पेंडिंग सैलरी हमारे मुलाजिमों को मिलती है, 12 छोड़ के इन मुलाजिमों के 40-40, 50-50 बोचर बन जाएंगे। तो ये खामखा का एक राइडर लगाया गया है। आपके माध्यम से हम यही अपील करते हैं गवर्नर साहब से जल्द हमारे जो मसले हैं इनकी तरफ गौर किया जाए, इन मसलों को हल किया जाए, नहीं तो आने वाले वक्त पे ये मुलाजिम जो है अब हम शांत नहीं बैठेंगे। ये मुलाजिम आज चीफ कॉम्प्लेक्स के अंदर बैठे हैं, आने वाले दौर में हम सड़कों के बीच बैठेंगे, और इसकी सारी जिम्मेवारी होगी जो एलजी साहब की होगी।